तो ये है पीक डिजाइन का एक, अबे उसको क्या बोलते हैं बे जो वो होता है, हाय गाइस दिस इज हैप्पी सिंह एंड वेलकम टू माय फोटोग्राफी चैनल, जहां पे हम बात करते हैं फूड फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, मैक्रो फोटोग्राफी और बहुत सारी चीज़ें। एंड आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, हम रिव्यू करने वाले हैं इसका रिव्यू होगा। ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है और बहुत ही पावरफुल। आप ये सोच रहे हैं क्या कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ? नहीं 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 नहीं, मैं बात कर रहा हूँ इसकी। और ये है मेरे लिए या आपके लिए, इन शॉर्ट बोलूँ तो, अगर जिनको भी फोटोग्राफी करनी है, जो फील्ड पे जाकर के अपनी फोटोग्राफी करते हैं, उनके लिए ये है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। बहुत लोग बोलते हैं हम, एक्चुअल पे आपको एक बात बताऊँ तो, अगर आप पीछे बैकग्राउंड पे थोड़ा सा रिसर्च करेंगे या फिर अगर आप एक चीज़ लुकअप करेंगे तो सारे कैमरा जितने भी आपके ब्रांड्स अवेलेबल हैं सबके स्ट्रैप्स बहुत कॉमन होते हैं, राइट? और वो अपग्रेड नहीं हो पाए हैं काफ़ी हद तक। तो मैं जो पर्टिकुलर स्ट्रैप यूज़ करता हूँ, जिस कंपनी का यूज़ करता हूँ, मैं आज उसके बारे में बात करने वाला हूँ। एंड फॉर दिस आई स्पेशली थैंक्स वीडियो लिंक्स अनीश जॉर्ज फॉर सेंडिंग मी दिस ब्यूटीफुल अमेजिंग पीस ऑफ लाइक बीस्ट, क्योंकि मेरे हर वीडियो में बीस्ट ज़रूर होता है। तो ये एक मेरा बीस्ट पड़ा हुआ है, एक ये बीस्ट है, एक मैक्रो के लिए बीस्ट बनाया था मैंने, लाइटिंग का बीस्ट बनाया था। तो बीस्ट की ही बात होती है क्योंकि मैं खुद अपने आप में एक हैप्पी सिंगल हूँ, ठीक है? तो ये जो चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्ट्रैप के बारे में। अधिकतर ये होता है कि हम फील्ड पे जब जाते हैं, माउंटेन ट्रैकिंग पे जाते हैं, लैंडस्केप के लिए जाते हैं, या फिर स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ के लिए जाते हैं, विच इज़ दिस इज़ वेरी लाइक हैवी एंड वेरी अमेजिंग लेंस, नो डाउट, दिस इज़ माई 600 f/4। तो जब हम अपनी वाइल्ड लाइफ ट्रिप्स के लिए जाते हैं, अगर हमारे को फील्ड पे वॉक करना होता है, तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कैमरा को होल्ड करना। कैमरा को होल्ड करना एक चीज़, इसको ऐसे होल्ड करना इज़ क्वाइट ईजी, बट ये बहुत ज़्यादा टीडियस हो जाता है, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, ठीक है? सो वॉट इज़ द थिंग जो हमारे लिए एक हैसल भी ना क्रिएट करे, हैवी भी ना हो इनको हैंडल करने के लिए, एंड उतनी ही पोर्टेबल हो जितनी हमको चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं पीक डिज़ाइन के फ्लैगशिप मॉडल के बारे में। फ्लैगशिप मॉडल क्यों? क्योंकि इनका ये सबसे हाई एंड स्ट्रैप है। ये दो वर्जन में आता है, एक है स्ट्रैप स्लाइड, ठीक है, और एक आता है स्लाइड लाइट। तो स्लाइड लाइट थोड़ा मिररलेस कैमरास के लिए बना हुआ है, और ये वाला बना है बीस्ट। बाइसेप्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ये बना है बेसिकली इन बीस्ट के लिए, जो बहुत हैवी होते हैं, और साइड बाय साइड इनको फील्ड पे कैरी करना एक अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है। अगर ये कैमरा बॉडी के साथ अटैच हो जाए तो भी ये हैवी हो जाएंगे, प्लस अगर इसमें बैटरी के अटैच हो जाए तो और ये हैवी हो जाएंगे, और अगर आपके पास कोई बैग है या कोई ट्राइपॉड है तो उसके साथ कैरी करना थोड़ा टीडियस होता है। तो उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ पीक डिज़ाइन का ये स्ट्रैप, जो मुझे वीडियो लिंक्स ने भेजा है, एंड दिस इज़ अ बीस्ट, दिस इज़ रियली अमेजिंग। इसकी बिल्ड क्वालिटी इज़ वे टू अमेजिंग, ठीक है? तो मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक चलेंगे। तो ये जो है बेसिकली बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइंड पीक डिज़ाइन का जो यहाँ पर पे नाम लिखा हुआ है, दिस इज़ अ वेरी गुड मेटल का पूरा केस जिससे ये हैंग होता है, ठीक है। द बिल्ड क्वालिटी ऑफ दिस ट्रैप इज सुपर सुपर ड्यूरेबल, सुपर अमेजिंग एंड वेरी स्ट्रेंथनिंग। इसमें बेसिकली एक वेबिंग की होती है अंदर, सो दैट कि आप ये ज़्यादा हैवी लोड्स को कंसिडर कर पाएँ। ये जो बेसिक आप देख रहे हो एक लॉक या अनलॉक का जो इनका जो टेक्निक है, दिस इज़ टू एडजस्ट द स्ट्रैप। स्ट्रैप का साइज़ आप एडजस्ट कर सकते हो अनलॉकिंग, एंड देन यू आर लाइक एडजस्टिंग योर स्ट्रैप लाइक दिस, एंड देन अगेन यू आर लॉकिंग इट लाइक। तो अब बारी आती है इस पर्टिकुलर सेक्शन की। ये बहुत ही अमेजिंग और एक पैडेड स्ट्रैप है इस पर्टिकुलर सेक्शन पे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पैडेड है, बिकॉज आपके ये शोल्डर पे रहता है या नेक पे रहता है तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें कंफर्ट मिलता है। एक साइड दिस इज़ प्लेन, ठीक है, सो दैट कि आपको कैमरा या फिर लेंस को मूव करने में बहुत आसानी हो जाएगी, एंड दूसरे साइड पे ये रबराइज ग्रिप है, यू कैन सी दिस रबराइज ग्रिप,
जो यहाँ पर पे है, ये रबराइज ग्रिप तब काम आती है जब हमारे को वॉक करना है, माउंटेन ट्रैक करना है, वी डोंट वॉन्ट टू स्विंग अवर कैमरा, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे ये बहुत अच्छा काम आती है। ये आपके शोल्डर पे लगती है एंड दिस स्टिक एंड स्टे देयर भले कितना भी हैवी गियर हो। उसके बाद अगेन दिस इज़ अ वेरी अमेजिंग थिंग एंड देन वी आर कमिंग बैक अगेन फॉर द लॉक सिस्टम फॉर एडजस्टिंग द हाइट लेंथ ऑफ द स्ट्रैप। तो इसमें ये अलग अलग लेंथ से एडजस्ट हो सकता है, ये दोनों साइड दिया हुआ है, ओके ये दोनों साइड दिया हुआ है सो दैट कि आप जब अपने इस पर्टिकुलर स्ट्रैप को टंगाते हैं तो आपके पास एडजस्टमेंट के दोनों साइड के एंगल्स मिल जाते हैं, ओके इसके साथ बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं। वो क्या जो इसका यूएसपी है, पीक डिज़ाइन की यूएसपी, वो है ये क्लिप्स। ये दिखने में बहुत छोटे हैं बट इस पूरे स्ट्रैप में सबसे ज़्यादा बड़ा बीस्ट ये है। ये छोटा सा क्लिप कैन हैंडल 90 to 100 kg। येस यू हर्ड इट राइट, कि 90 to 100 kg ये क्लिप हैंडल कर सकती है और ये लॉक होता है द बेस्ट थिंग, क्योंकि मैं अब आगे बताने भी वाला हूँ। तो ये बेसिकली लॉक होता है यहाँ पर पे, ठीक है, और ये निकल जाता है यहाँ से, ठीक है। अब इसके साथ क्या क्या आता है, इसके साथ आते हैं चार क्लिप्स, 1, 2 एंड दो मेरे यहाँ पे कैमरा में लगे हुए हैं, सॉरी दो मेरे लेंस में लगे हुए हैं। एंड उसके साथ ये आते हैं छोटे से क्लिप्स विच आर फॉर द कैमरा, अगर जिन पे स्ट्रैप हैंड लगाने के लिए अगर जगह नहीं होती है तो ये एक एडजस्टमेंट या फिर एक एक्सटेंशन है जो ये आपके कैमरा बॉडी के साइड वाले सेक्शन पे लगते हैं। इनके पास आती है एक आर्का स्विस वाली एक बहुत ही अच्छी बेस प्लेट। दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली अ बिग बेस प्लेट बट इससे पहले वाले वर्जन पे बेस प्लेट बड़ी होती थी, उन्होंने बहुत कॉम्पैक्ट बना रखी है जो सो दैट कि आपका ये पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पर पे भी अटैच हो जाए। अटैच होने के बाद यू कैन ईजिली कीप दिस थिंग अंडर योर कैमरा, लॉक कर लो, तो जब भी आपको अपना स्ट्रैप यूटिलाइज करना है छोटे लेंस के साथ तो दिस कैन बी क्लिप ईजिली ओवर दिस। एंड उसके बाद आता है एक एडजस्टमेंट नॉब। ये नॉब किस काम आता है, ये जब आप अपना ये पर्टिकुलर चीज़ को लगा रहे हो, इसको इस बेस प्लेट को लगा रहे हो कैमरे के साथ, तो उसको टाइट करने के काम आता है। एंड दिस इज़ अ वेरी स्मॉल कैरिंग केस विच विल गिव यू टू कीप योर एसेसरीज ऑल इन द पैकेट। एंड आपको ट्रैवल करना है तो आपको कोई भी चीज़ बार बार लुकअप नहीं करनी पड़ेगी एंड ये चीज़ ऐसे पैक हो करके आप लेके जा सकते हैं इसको किसी भी ट्रैवल पर्पज़ के लिए। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसकी सबसे ईजी या ड्यूरेबल चीज़, या मैं आपको बोलूँ तो द बेसिक लाइक वर्किंग ऑफ द पर्टिकुलर स्ट्रैप इज़ कि ये क्लिप बहुत ईजिली हो जाता है। तो वेन इट कम्स टू माई 600 mm अ बिग बीस्ट इन द लेंसेस, तो ये क्लिप होता है सिंपल दिस, यू कीप इट हियर, ओके आप यहाँ पे इसको ऐसे रखते हैं, लॉक, लॉक मतलब ये लॉक हो गया है एंड यू कैन ईजिली सी कि ये कितना लाइक ड्यूरेबल है एंड स्ट्रेंथ इसकी कितनी अच्छी है दैट इट कैन ईजिली होल्ड दिस 600 mm ईजिली, ये राइट। मैं अधिकतर थोड़ा सा वरी रहता हूँ क्योंकि मैं जब अपने 600 mm को टंगा करके घूमता हूँ तो मैं इसके साथ बहुत खेलता रहता हूँ बिकॉज ये बड़ी आसानी से खुल जाता है देन लग जाता है, क्योंकि जो इसका क्लिप साउंड है वो बहुत अच्छा है। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ फील्ड में कि मैं इसको कैसे कैसे यूज़ कर सकता हूँ, किस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ जब मैं छोटे लेंस यूज़ करता हूँ और जब मैं अपने इस बीस को यूज़ करता हूँ 600 mm एफोर्ड।
सो कैसा लगा आप लोगों को फील्ड व्यू? इसको यूज़ करना मैंने आपको बता दिया कि कैसे यूज़ किया जाता है, एंड अब मैं आपको इसके बारे में थोड़े से और फीचर्स बताता हूँ। अनलॉक कर दो, लॉक कर दो, नहीं अनलॉक कर देता। मैंने बताया था आपको कि मुझे बहुत पसंद है इसको लॉक और अनलॉक करना, बट मैं जब फील्ड पे होता हूँ तो मैं इसको ज़्यादा नहीं छेड़ता हूँ, क्योंकि ये अगर गिर गया या इसको कुछ हार्म हो गया सीधा दिल पे चोट लगेगी, क्योंकि महंगा बहुत है। ठीक है, तो अब बात आती है इसकी वैल्यू की। नो डाउट अगर आप स्ट्रैप्स ढूंढने जाओ तो दिस इज़ रियली अ फ्लैगशिप, एंड स्ट्रैप्स में भी इसकी फ्लैगशिप है। स्ट्रैप्स में भी फ्लैगशिप है, मतलब ये वैल्यू फॉर मनी है। नो डाउट थोड़ा सा हाई प्राइज्ड है, बट दिस इज़ अ लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट फॉर यू इफ़ यू आर लुकिंग टू गेट इनटू फोटोग्राफी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो किसी भी चीज़ पे, दिस इज़ लाइक वेरी इजी। मैंने आपको बताया कि हाउ आई कैन ईजिली क्लिक एंड स्नैप इट ऑन टू माई बैक। अगेन मैं बड़ा लेंस कहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ, एवरी थिंग इज़ वेरी ईजी। तो नो डाउट थोड़ा प्राइसी है, बट सीरियसली टेलिंग यू, यू विल नेवर रिग्रेट इन्वेस्टिंग इन दिस ट्रैप। एंड मैंने अनीश जोर से लिया था फ्रॉम वीडियो लिंक्स, एंड आई गॉट अ वेरी गुड प्राइस अबाउट दैट बिकॉज दे आर हैविंग अ लॉट एंड लॉट एंड लॉट ऑफ प्रोडक्ट फॉर पीक डिज़ाइन। पीक डिज़ाइन हैज़ अ बैग, पीक डिज़ाइन हैज़ अ स्मॉलर स्ट्रैप, हैंड स्ट्रैप, छोटे बैग्स, पाउचेस एंड लॉट मेनी थिंग। उनका ट्राईपॉड बहुत ज़बरदस्त है, मैंने देखा था, इट वॉज रियली अमेजिंग, सीरियसली इट वॉज अमेजिंग। इट हैज़ अ मोबाइल होल्डर, इट हैज़ अ लाइक कार्बन फाइबर, वेरी पोर्टेबल एंड ईजली टू कैरी हियर एंड फॉर एवरीथिंग। सो दैट वॉज रियली अमेजिंग थिंग, एंड थैंक यू सो मच अनीश जॉर्ज पाजी। आई ऑफनली सेव एवरी वन पाजी क्योंकि आदत हो गई है, एंड फॉर दिस पर्टिकुलर बीस्ट एंड एडिंग टू माई बीस्ट फैमिली, एंड दिस वॉज अ गुड वैल्यू फॉर मनी। नो डाउट यू विल फाइंड वेरी अमेजिंग, एंड इफ यू आर फ्रॉम रायपुर प्लीज़ यू कैन विजिट एंड ट्राई दिस थिंग वंस एंड यू कैन ऑर्डर योर थिंग। एंड मैंने बता दिया आपको कहाँ पर मैं मिलेगा, मैं एक बस लिंक डाल दूंगा एक डिस्क्रिप्शन में, यू कैन चेक आउट देयर। ऑल्सो यू कैन चेक आउट माई डिफरेंट वीडियोज ओवर मैक्रो फोटोग्राफी एंड गोडॉक्स की लाइट जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। यस आई एम प्रमोटिंग देम, क्यों? क्योंकि एक्चुअली व्हेन इट कम्स टू अ पर्सन हु इज़ इन्वेस्टिंग इन अ ब्रांड, हु इज़ इन्वेस्टिंग इन टू द स्टूडियो, दे शुड गेट द वैल्यू दैट वो प्रोडक्ट की वैल्यू जो पे कर रहे हैं उसका और उनको रिटर्न मिलना चाहिए। So guys, thank you so much for liking my videos, thank you so much for liking my fitness वाला videos, जिनके भी मैं link अपने description में डालूंगा, because जिनको fit होना है वो ये सब चीज़ें use कर सकते हैं और जिन unfit है वो थोड़ा सा मुश्किल से use कर सकते हैं। But still, thank you so much guys for joining me, thank you so much for watching my channel, and you can like, subscribe, share, whatever you want to, thank you so much, see you, bye bye.